हरे कृष्णा राधे राधे। कार्तिक मास में प्रेम भाव श्रद्धा के साथ भगवान के पवित्र नामों का जाप करो। कार्तिक के इस पावन महीने में किए गए किसी भी कर्म का फल हमें अधिक होकर मिलता है। अच्छे कर्म करेंगे तो भी 1000 गुना फल मिलेगा और बुरे कर्म करेंगे तो भी वो भी हमें 1000 गुना होकर ही बुरे कर्म का फल मिलेगा। इसलिए कोशिश करें और अधिक से अधिक से अधिक नाम जाप करें। आज कार्तिक की कहानियों में हम सुखकर्ता दुखहर्ता बुद्धि के दाता श्री गणेश जी महाराज की एक बहुत सुंदर कहानी सुनेंगे। पहले एक जयकारा, बोलो गणेश जी महाराज की जय, रिद्धि सिद्धि की जय, कार्तिक के ठाकुर की जय। एक समय की बात है, एक गांव में एक अंधी बुढ़िया माई रहती थी। उसके परिवार में उनके पति बेटा बहू सब थे, वे बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई के पति की तबीयत भी ज्यादा खराब ही रहती थी। बुढ़िया माई का प्रतिदिन गणेश जी की पूजा करने का नियम था। वो बड़े प्रेम भाव श्रद्धा के साथ रोज नियम से गणेश जी महाराज का पूजन किया करती थी, गणेश जी महाराज को याद किया करती थी। बुढ़िया माई की भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन गणेश जी उस बुढ़िया माई के सामने साक्षात प्रकट हो गए और बोले, बुढ़िया माई मैं तेरी पूजा से प्रसन्न हुआ, वर मांगो। बुढ़िया माई तो उनको देखकर एकदम हैरान रह गई। वो बोली, हे कृपा सिंधु, मुझे तो मांगना नहीं आता। अब गणेश जी महाराज हंसे मुस्कुराए और बोले, बुढ़िया माई मैं आया हूं तो कुछ ना कुछ तो तुझे दूंगा जरूर। अब बुढ़िया माई ने फिर वही बात बोली, प्रभु जिंदगी में पहली बार सामने आए हो, मुझे नहीं पता इस समय मैं आपसे क्या कहूं, आपको देखने से मेरी सारी इच्छाएं खत्म हो गई है। अब ये सुनकर गणेश जी वापस मुस्कुराए और बोले, माई मैं फिर कल आऊंगा, तब तक तू सोच ले, अपने बेटे बहू से पूछ ले और फिर मांग लेना। अब बुढ़िया माई बोली, जी प्रभु। और तभी गणेश जी महाराज अंतर्ध्यान हो गए। अब बुढ़िया माई ने बेटे को सारी बात बताई तो बेटा बोला, माँ धन मांग लो। बुढ़िया माई को कुछ बात जची नहीं, उसने बहू से पूछा तो बहू बोली, माँ पोता मांग लो। अब बुढ़िया माई ने अपने पति से पूछा तो वो बोला, मेरी जिंदगी मांग ले, मेरी तबीयत मेरी सेहत मांग ले। अब बुढ़िया माई ने सोचा कि ये सब तो सब अपने मतलब की बातें कह रहे हैं, क्यों ना मैं पड़ोसन से कुछ सलाह ले लूं। वो पड़ोसन के पास गई और उससे पूछा तो पड़ोसन ने बोला, क्यों तू धन मांगे, क्यों पोता मांगे, तू तो अपने लिए दीदा गोडा मांग, यानी अपने लिए आंखें और घुटने, अपनी सेहत मांग। तब बुढ़िया माई घर आई और सोचने लगी कि ऐसी क्या चीज मांगू जो बेटा बहू भी खुश हो जाए और अपना भी काम हो जाए। अब बुढ़िया माई सारी रात सोचती रही, है ना, जब समय पड़ता है तो बुद्धि काम कर ही जाती है। सुबह हुई, बुढ़िया माई अभी भी सोच रही थी, पर वो बुद्धि के दाता की पूजा करती थी तो उनकी बुद्धि का चलना भी तो स्वाभाविक ही था। अब जब वो पूजा पे बैठी तब गणेश जी महाराज वापस उनके सामने प्रकट हुए और कहने लगे, माई सोच लिया क्या मांगना है। तब बुढ़िया माई बोली, देखो मुझे मांगना तो आता नहीं, बट तुम कृपा निधान हो इसलिए कह रही हूँ। हे गणेश जी महाराज, दया के सागर, सुख करता दुख हरता, कृपा करो मुझे दीदा गोडा दे दो, ताकि सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग देवो, निरोगी काया देवो, सभी को सुख देवो। अब जब गणेश जी महाराज ने ऐसा सुना तो वो हंसने लगे और बोले, माई तू तो कहती थी कि तुझे मांगना नहीं आता, तूने तो मुझे ठग लिया, एक ही बार में तूने तो सब कुछ मांग लिया, पर ठीक है तथास्तु। अब ये कहकर गणेश जी महाराज अंतर्ध्यान हो गए, बुढ़िया माई के पास सब सुख ही सुख हो गए। एक वरदान में ही बुढ़िया माई की जिंदगी बदल गई। हे गणेश जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई पर कृपा करी, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर कृपा करना, सबको सुख देना, सबको निरोगी काया देना, सबके ऊपर कृपा बनाए रखना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। ओम गण गणपताय नमः। कार्तिक के ठाकुर की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। कार्तिक की इन सुंदर कहानियों को अधिक से अधिक शेयर करें और कृष्ण नाम प्रचार करने में अपना योगदान दें। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।